अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक इंडियन पॉलिटी का, जो कि है आर्टिकल्स अमेंडमेंट्स शेड्यूल पार्ट्स और आईपीसी भी है। तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी आर्टिकल्स वी आर देयर ओरिजिनली इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कितने आर्टिकल्स थे ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम, कितने आर्टिकल्स थे? तो ये हो जाएगा 93,395। आगे बात करें कि अभी कितना है, तो अभी ये हो जाएगा लगभग 450 के आसपास, है ना, 448। और अमेंडमेंट कितने हुए, तो अमेंडमेंट 105 हुआ है। यहाँ पे 104 लिखा हुआ है, ये 105 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स दैट इंडिया इज़ ए भारत शैल बी ए। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है कि इंडिया जो कि भारत है, ये एक्चुअल में क्या है, ये है यूनियन ऑफ स्टेट्स। अगला सुनिए कहानी। इन इंडिया विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। तो कौन सा ऐसा आर्टिकल कहता है नए स्टेट के फॉर्मेशन के बारे में? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 3। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनुमरेट द प्रोविजन फॉर सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इनुमरेट का मतलब होता है लिस्ट। तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि लिस्ट बताता है प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप का एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 5। यानी कि आर्टिकल 5 कह रहा है कि आप किस बेसिस पे आपको सिटीजनशिप मिल सकता है, या किस बेसिस पे आपको सिटीजनशिप आपका छीना जा सकता है, ठीक है। ये कहता है आर्टिकल नंबर 5। द पार्टिकल हैज़ बीन गिवन पावर टू मेक लॉज रिगार्डिंग सिटीजनशिप अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉ बना सकता है सिटीजनशिप से रिलेटेड, वो कौन से आर्टिकल में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 11। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल बी द स्टेट नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो कौन से आर्टिकल के तहत ये कहा जाता है कि स्टेट किसी पर्सन को डिनाई नहीं कर सकता है, या इक्वल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ होना चाहिए? तो ये कहता है आर्टिकल 14। तो आपको याद भी रखना है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ किस में है, आर्टिकल नंबर 14 में है। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नोट्स दैट नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो बोला गया है कि किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन रेस कास्ट। तो ये आर्टिकल कौन सा है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 15, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन वाला आर्टिकल, आर्टिकल 15, माने डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ऑफ द वेरियस ग्राउंड बिलो विच इज वन क्राइटेरियन ऑफ विच डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट इज नॉट प्रोहिबिटेड इन आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बोला गया है कि जितने भी डिस्क्रिमिनेशन है हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, उनमें से कौन सा प्रोहिबिट नहीं है आर्टिकल 15 में, या डिस्कस नहीं किया गया आर्टिकल 15 में? तो ये हो जाएगा लैंग्वेज, ठीक है। किस किस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लेकिन लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, ठीक है, लैंग्वेज के बारे में ऐसा नहीं है आर्टिकल 15 में। आगे सुनिए, व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एनेबल्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 16। अगला सुनिए, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात किया है फॉर ऑल सिटीजन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हर किसी को बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 16 कहता है। इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द मेंशन अबाउट द एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी की बात करें तो ये कौन सा आर्टिकल कहता है, मतलब अनटचेबिलिटी का मतलब एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 17। अगला, द आर्टिकल 17 एंड 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड। आर्टिकल 17 की बात करें कि वो अनटचेबिलिटी की बात करता है, और आर्टिकल सोशल इक्वलिटी की बात करता है, यानी 17 और 18 दोनों मिलकर किसकी बात कर रहा है? सोशल इक्वलिटी की बात कर रहा है, ठीक है। अगला सुनिए, तो आर्टिकल 18 टॉक अबाउट एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, ये भी याद रखना है। हम लोग बात की आर्टिकल 17, वो बात करता है एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी की, और 18 बात करता है एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स की। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स? तो कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 18। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन प्रोहिबिट्स द इंडियन स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल
एक्सेप्ट ए मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन, तो कौन सा आर्टिकल की बात कर रहा है, अभी थोड़ी देर पहले बात की है, ठीक है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स 18(1), ठीक है, और इसमें एक्सेप्शन किसको रखा गया, मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन को। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंडियन सिटीजन ग्रांटेड द राइट टू सिक्स फंडामेंटल्स, सिक्स फंडामेंटल फ्रीडम, तो कौन से आर्टिकल के तहत इंडियन सिटीजन्स को ग्रांट कराया गया है कि आप लोगों के पास फंडामेंटल फ्रीडम है, सिक्स फंडामेंटल फ्रीडम, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19। आर्टिकल 19D ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, तो 19D किस चीज़ से डील करता है, ठीक है, तो अभी बात की है कि 19 जो है आर्टिकल हम लोगों को ग्रांट करता है कि आपके पास सिक्स फंडामेंटल राइट्स हैं, सिक्स फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें कि आर्टिकल 19D क्या कहता है, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये कौन सा है, मैंने मूव फ्रीली वाला आर्टिकल कौन सा है, 19D। अब आगे देख लेंगे हम लोग 19 का ABC जितना भी है, ठीक है, तो ए क्या कहता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके बाद बी कहता है असेंबल होना, ठीक है, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन भी बना सकते हैं, ये 19 का सी कहता है, 19 का डी कहता है अभी बात की मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी, उसके बाद ई कहता है, ठीक है, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, कहीं पर भी रह सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, ठीक है, और लास्ट वाला है ओमिटेड, ठीक है, जो एफ भी है जी भी है, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस, ठीक है, तो ये एक बार आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या दिमाग में सेट कर सकते हैं अपना, ठीक है, तो ये 19 के सारे जितने भी हैं आर्टिकल्स। अगला, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कौन सा आर्टिकल गारंटी करता है कि आपका प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 21। राइट टू प्रिवेसी कम्स अंडर, तो राइट टू प्रिवेसी किसके अंदर में आता है, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 21। जिस तरह से आर्टिकल 20 इसके 19 के अंदर बहुत सारा आर्टिकल्स था, उसी तरह से ABC करके जो जैसे था उसी तरह से राइट आर्टिकल 21 के तहत बहुत सारे ये हैं, ठीक है, राइट्स हैं आपके पास। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रेन इन ग्रुप ऑफ 16, बोला गया है कि कौन से आर्टिकल के तहत ये बोला गया है कि कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों को, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 21 ये ए, ठीक है, जहाँ पे भी ABC इस तरह का आ रहा है इसका मतलब इसको बाद में ऐड किया गया है अमेंडमेंट के तहत, ठीक है, तो याद रखिएगा, तो इसको भी डिस्कस करेंगे कौन सा अमेंडमेंट के तहत इसको ऐड किया गया था, ये पहले क्या था बाद में क्या हुआ, ठीक है, सारे कुछ डिस्कस करेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा। द 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 इंसर्टेड आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो 86 जो अमेंडमेंट हुआ था वो बोला गया कि कौन सा आर्टिकल को इसमें घुसाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 को, ठीक है, तो अभी आगे क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा अमेंडमेंट के तहत एजुकेशन को कंपलसरी बनाया गया था 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, तो ये हो जाएगा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, कब हुआ था 2002 में, याद रखना है ऐसे भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, तो कौन सा ऐसा आर्टिकल्स है जो कि प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर को, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 23। अगला है, ए चाइल्ड बिलो द एज ऑफ .. कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन वर्क इन एनी फैक्ट्री अंडर आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो बोला गया है कि कौन सा आर्टिकल 24 के अंदर, ठीक है, ये कहा गया है कि बच्चे जो हैं बिलो एज कितना कि वो फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते वो कितना साल के कम उम्र से, तो ये हो जाएगा 14 साल से, ठीक है, आर्टिकल 24 ये कहता है कि 14 साल से के कम बच्चे फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते। अगला सुनिए, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो कौन सा आर्टिकल गारंटी देता है आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक, ठीक है, तो 25 से लेकर के 28 रिलीजन से ही रिलेटेड है, ठीक है, तो उसको भी देखेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया स्पेसिफाइज द राइट टू माइनॉरिटी टू स्टेबलाइज एन एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो बोला गया कि कौन सा आर्टिकल के तहत ये स्पेसिफाई कराया गया है कि माइनॉरिटीज अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल
30। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, ठीक है। जैसे 20 की 23 का 25 का बात कर रहे थे, तो क्या होता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। 26 की बात की, अभी बात की है ना रिलीजन से रिलेटेड कितना है 25 से लेकर के 28। तो 26 में फिर क्या है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर को मैनेज करना भी क्या है आपका फ्रीडम है आर्टिकल 26 के तहत। आर्टिकल 27 कहता है फ्रीडम एज ए पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। और क्या है 28, फ्रीडम एज टू अटेंड द रिलीजियस इंस्ट्रक्टर और रिलीजियस वर्कशिप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो ये आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक हमारा मैंने माइनॉरिटीज़ को माइनॉरिटीज़ की बात करें या रिलीजियस फ्रीडम है, ठीक है। आगे बात करें, विच आर्टिकल वॉज डिलीटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। कौन सा आर्टिकल को डिलीट किया गया था 44th अमेंडमेंट जो हुआ था, ठीक है, 1978 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 31, ठीक है। आर्टिकल में 31 में फिर था क्या जो डिलीट कर दिया गया था, तो इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 44th याद रखना है क्योंकि 44th अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या हुआ था, 44th अमेंडमेंट एक्ट नलीफाइड दिस जस्टिफिकेशन पावर टू द गवर्नमेंट राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी जो था पहले, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो था राइट, वो पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, उसको हटा करके क्या बना दिया, लीगल राइट बना दिया, ठीक है। तो 44th अमेंडमेंट, 44 और 42nd अमेंडमेंट, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 44th में हुआ क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था, ठीक है, फंडामेंटल राइट से, उसको बाद में लीगल राइट बना दिया गया और वो हो गया 30 आर्टिकल 300A। पहले क्या हुआ करता था 31, ठीक है, याद रखना है आपको इसके। आगे बात करते हैं हम लोग, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल। तो बोला गया है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है ये कौन से आर्टिकल में प्रोवाइड किया गया है, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 32। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द फंडामेंटल राइट ऑफ द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज कैन बी स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्टेड। फंडामेंटल राइट्स ऑफ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज कैन बी, उनको भी क्या कर सकता है, रिस्ट्रिक्टेड कर सकता है, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 33। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, आर्टिकल 35A वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द दिल्ली एग्रीमेंट इंटर्ड बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शेख अब्दुल्ला, ठीक है। तो बोला गया है कि आर्टिकल 35 ये किया गया था, इनकॉर्पोरेट किया गया था बिटवीन किस किस के बीच में, तो ये हो जाएगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर के शेख अब्दुल्ला। तो ये बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड, इस पे हुआ था 1952 में हुआ था, ठीक है, आर्टिकल 35A। तो आर्टिकल 35A की बात करें या 370 की बात करें, वो तो अभी रिमूव्ड हो चुका है, ठीक है, उस पे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा तो उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो याद रखना है ये हुआ था कब था, आर्टिकल जैसे 35A की बात करें तो ये एग्रीमेंट कब हुआ था 1952 में, ठीक है। तो ये अब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा नहीं, ये बोल सकता है कि आर्टिकल 35A कब रिमूव कराया गया था, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 35A वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन बाई एन ऑर्डर ऑफ द एंड द प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ऑन द एडवाइस ऑफ जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट। तो इसका आंसर हो जाएगा 1954 को, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डाला गया था किसमें, 1954 को 35A, ठीक है। बात करें उसका एग्रीमेंट कब हुआ था 1952 में, लेकिन डाला गया था कब कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये हो जाएगा 1954 में, ठीक है। एक तो था आर्टिकल 35A और एक था आर्टिकल 370, ठीक है, दोनों को ही हटा दिया गया, अभी जानते होंगे। तो दोनों को कब हटाया गया था ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो आर्टिकल सॉरी ऑन अगस्त 6, 2019। तो याद रखना है आपको कि 370 और 35A दोनों को हटा दिया गया है 2019 में, ठीक है, 6 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेनली डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी गिवन इन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बोला गया है कि आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 जो है वो डीपीएसपी को डील करता है, तो ये कौन से पार्ट में दिया गया है, तो ये हो जाएगा पार्ट 4 में, ठीक है, याद रखना है आपको।
अगला क्वेश्चन है, और हमारा फंडामेंटल राइट किस में है, फंडा पार्ट थर्ड में। विच आर्टिकल प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर ऑल सिटीजन्स। तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है प्रमोट करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड को, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 39A। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायत राज। ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायत राज की बात करें तो ये हो जाएगा आर्टिकल 40। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स द डायरेक्टिव दैट स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर मेटर्निटी रिलीफ। तो यह है आर्टिकल 42। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल इतना ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को डील करने के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल है 44। ठीक है, यूनिफॉर्म याद रखने का तरीका क्या होगा इसको, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, इक्वल। तो इक्वल कौन होगा, 44। 44 माने इक्वल है। ठीक है, याद रखने का तरीका, द स्टेट टू ऑब्लिगेटेड टू प्रोटेक्ट एवरी मोन्यूमेंट्स प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड हिस्टोरिक इंटरेस्ट अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अगर कोई इंडिया का मोन्यूमेंट्स है, प्लेस है, ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, नेशनल इंपॉर्टेंस है, हिस्टोरिक इंटरेस्ट है, उस किस आर्टिकल के तहत उसको क्या करना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 49। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्ट स्टेट टू टेक स्टेप टू सेपरेट द जुडिशरी फॉरम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। तो बोला गया कि कौन से आर्टिकल के तहत ये बोला गया कि स्टेट्स को जुडिशरी को और एग्जीक्यूटिव को अलग रखना चाहिए पब्लिक सर्विस से, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 50, यानी कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग होना चाहिए। तो आर्टिकल्स, अब प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स आने वाले हैं, इसलिए प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल पहले हम लोग देख लेते हैं, उससे रिलेटेड बाद में क्वेश्चन कर लेंगे, आसानी रहेगा, तो पहले पढ़ लेते हैं। 51 में क्या है, 52 में कहता है कि प्रेसिडेंट होना चाहिए, 53 में एग्जीक्यूटिव पावर की बात करता है 53 में, 54 में इलेक्शन की बात करता है प्रेसिडेंट की, 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन की बात करता है, 56 में टर्म की बात करता है प्रेसिडेंट की। ठीक है, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए री इलेक्शन के लिए, 58 क्वालिफिकेशन की बात करता है, और 59 बोलता है कंडीशन क्या होना चाहिए, और 60 की बात करें तो ओथ एंड एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, तो ओथ की बात करता है। ठीक है, तो आपको ये सब याद रखना है, क्योंकि आने वाले अगला स्लाइड में देखेंगे हम लोग क्वेश्चंस आएंगे प्रेसिडेंट से ही रिलेटेड। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है इम्पीचमेंट, तो इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कौन से आर्टिकल के तहत हो सकता है, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 61। ठीक है, उसके बाद बात करें पार्डन की, क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट जो किसी को पार्डन दे सकते हैं वो 72 के तहत। ठीक है, तो ये एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे तो कौन कौन सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ओथ तो याद रखना ही आपको, इसके बाद इम्पीचमेंट भी याद रखना है। ठीक है, आगे विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज, तो कौन सा आर्टिकल कहता है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 51A। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कौन सा आर्टिकल बात करता है DPSP के अंदर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की, तो ये हो जाएगा पीस एंड सिक्योरिटी कब आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, आर्टिकल 51 में। ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेल अबाउट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, इलेक्शन किस कौन सा आर्टिकल के तहत बात करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 54। अब मैनर ऑफ इलेक्शन प्रेसिडेंट की बात करें, तो प्रेसिडेंट के मैनर ऑफ इलेक्शन की बात कौन सा आर्टिकल कहता है, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 55। ठीक है, एक बार फिर से चाहे तो देख सकते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, पहले वाले में प्रेसिडेंट होना चाहिए, पावर, इलेक्शन, मैनर, टर्म, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, कंडीशन क्या होना चाहिए, फिर ओथ और प्रोसीड्यूर। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द मैनर ऑफ इलेक्शन, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 55। ठीक है, अगला वाला, विच आर्टिकल 59 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 59 क्या कहता है प्रेसिडेंट के बारे में, कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस। अगला आर्टिकल 60 की बात करें, तो ओथ की बात करता है, तो ओथ तो याद रखना ही आपको, आर्टिकल 60 ओथ की बात करता है, और 61 क्या था, इम्पीचमेंट था। ठीक है, द प्रोसीडेंट फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मेंशनड इन आर्टिकल डॉट डॉट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट की बात कौन सा आर्टिकल कहता है, 61। अगला, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ पावर टू पार्डन इन अंडर विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो अभी बात की प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो पार्डन कर सकता है, माफ़ी दे सकता है, कौन से आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल हो जाएगा 72। अगला क्वेश्चन है,
विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड. तो कौन सा आर्टिकल कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर होंगे. तो ये हो जाएगा आर्टिकल 74A 74(1). आर्टिकल 74 एंड 75 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द मैटर ऑफ. तो यहाँ पे एक साथ बोल दिया है कि 74 और 75 जो है ये किससे डील करता है. तो ये हो जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से. ठीक है, तो आप 74(1) क्या बोला कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, ये 74(1) में बात करता है. अगला आर्टिकल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द. तो बोला गया है कि आर्टिकल 75(3) के तहत बोला गया है कि मिनिस्टर जो होंगे वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे किस चीज़ के. तो ये हो जाएगा पार्लियामेंट का. ठीक है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट. द प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्ट्रीज ऑफ द यूनियन इंडियन यूनियन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर .. ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो बोला गया है कि प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्ट्रीज को, ठीक है, अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा कौन से आर्टिकल के तहत. तो यह आर्टिकल 75. ठीक है, 75 और 74 आपको याद रखना है किससे रिलेटेड है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड. 74(1) की बात करें तो हेड प्राइम मिनिस्टर होगा ये बतलाता है. 75(3) बोलता है कि मिनिस्टर जो होंगे ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे पार्लियामेंट, और 75 ये बोलता है कि मिनिस्टर जो होंगे प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर जो होंगे वो अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा. अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल द मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. तो अब यहाँ पे लोकसभा की बात किया है तो ये हो जाएगा आर्टिकल 75. ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले देखे थे 75(3) लिखा हुआ था कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट. आगे, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन दैट द लोकसभा मस्ट बी स्पीकर एंड ए डिप्टी स्पीकर. कौन सा आर्टिकल के तहत बोला गया है कि लोकसभा में क्या होना चाहिए, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होना चाहिए. तो यह हो जाएगा आर्टिकल 93. अंडर आर्टिकल 103 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द क्वारम ऑफ कॉन्स्टिट्यूट ए सिटिंग ऑफ लोकसभा इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस. तो ये हो जाएगा 1/10, मैंने 1/10 होना ही चाहिए. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस से 1/10 होना ही चाहिए. द पावर प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड ऑफ इट्स कमेटी एंड मेंबर्स हैव मेनली बीन लेड डाउन इन आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 105. ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एज पर आर्टिकल 106 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु डिटरमाइन द सैलरीज ऑफ द मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. तो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है सैलरी को, माने सैलरी के जितने भी मेंबर्स हैं उनके सैलरी. तो ये हो जाएगा पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है कि उनका सैलरी कितना होना चाहिए. तो कौन सा आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 106. देखिए सिक्वेंशियली भी चल रहे हैं हम लोग, 105 की बात करिए, 106 की बात करिए. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस. तो कौन से आर्टिकल के तहत ज्वाइंट सिटिंग हो सकता है. तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 108. तो 108, 110, 112 ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ज्वाइंट सिटिंग 108 के तहत हम लोग कर सकते हैं. अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ मनी बिल. कौन सा आर्टिकल है जो कि मनी बिल से रिलेटेड है, डील करता है. तो ये हो जाएगा आर्टिकल 110. ठीक है, 108 डील करता था ज्वाइंट सिटिंग के बारे में, 110 डील करता है मनी बिल के बारे में. अब होगा, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक प्रोविजिंग रिगार्डिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंट्री. तो कौन सा आर्टिकल के तहत एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं कंट्री के. तो यह हो जाएगा आर्टिकल 112. ठीक है, तो आर्टिकल 108 भी हो गया, 110 भी हो गया, 112 हो गया. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ द पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो किसके पास पावर है कि ऑर्डिनेंस जारी करे, ठीक है, आर्टिकल 123 के तहत. तो ये हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. याद रखना है, यही पूछा जाता है डायरेक्ट कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंस जारी करे. तो कौन से आर्टिकल के तहत, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 123. ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो बोला गया है कि जज
सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो एक क्वेश्चन तो यहीं पे बन जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का जजेस को अपॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है। किस आर्टिकल के तहत करता है, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 124(2)। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द एपेक्स कोर्ट एब्सोल्यूट पावर टू पास एनी ऑर्डर और डिक्री एज दे मे डीम फिट एज परस्यू कंप्लीट जस्टिस। तो ये आर्टिकल हो जाएगा आपका 142। ठीक है, 124 में क्या देखे, ठीक है 124 में देखे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, और ये है 142। अगला है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिया स्टेट दैट ऑल अथॉरिटीज सिविल एंड जुडिशियल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल एक्ट एड इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 144। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ द CAG। तो कौन सा आर्टिकल के तहत CAG का जो ऑफिस होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट ऑफिस होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 148, 148। तो CAG से रिलेटेड आर्टिकल कितना है, 148। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड टू ईच इंडियन स्टेट हैव ए गवर्नर। कौन सा आर्टिकल के तहत ये बताया गया कि हर एक स्टेट पे गवर्नर होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 153। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर। कौन सा आर्टिकल के तहत डिफाइन किया जाता है कि चीफ मिनिस्टर क्या क्या ड्यूटीज करेगा, क्या क्या ड्यूटी होता है चीफ मिनिस्टर का, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 167। तो आपको ये बताना है कि चीफ मिनिस्टर को जो अपॉइंट करते हैं वो कौन से आर्टिकल के तहत। ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 168। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट द जजेस ऑफ हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट। तो बोला गया है कि कौन से आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट के जजेस, ठीक है, को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, किसके इसका सहायता ये होना चाहिए, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर का होना चाहिए। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया गया है हाई कोर्ट के जजेस को, कौन से आर्टिकल के तहत, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 217। अगला क्वेश्चन, ए प्रोसीडिंग अंडर आर्टिकल 226 इन केस ऑफ डिटेंशन ऑफ ए पर्सन इज ए। तो आर्टिकल 226 के तहत अगर किसी को डिटेन कर दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्रिमिनल, इज ए क्रिमिनल प्रोसीडिंग। विच स्टेट वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 239, यानी 239A के तहत और 240 के तहत आर्टिकल के तहत कौन सा स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश द 37th अमेंडमेंट के तहत बना था। ठीक है, याद रखना है, तो कौन सा आर्टिकल था, 239, 240, कब हुआ था, 1970। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश का फॉर्मेशन कब हुआ है, 1975 में, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, 37th अमेंडमेंट, कौन सा आर्टिकल था, तो 239 यानी 239 और 40। ठीक है, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 43V ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 43(5), ठीक है, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर बिकमिंग ए मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटी। तो बोला गया है कि आर्टिकल 243(5) के तहत, ठीक है, कि मिनिमम एज रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए म्युनिसिपैलिटी का मेंबर बनने के लिए, तो ये हो जाएगा 21 ईयर्स। कौन सा आर्टिकल के तहत, 243(5) के तहत। आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंसर्टेड बाई 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डील्स विद। तो बोला गया आर्टिकल 243 जो है ये इसको इंसर्ट किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, ये डील्स किससे करता है, तो ये हो जाएगा पंचायती राज सिस्टम से। ठीक है, आर्टिकल 243। तो जैसे यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी की बात की है, ठीक है, कि म्युनिसिपैलिटी का मेंबर कितना होना चाहिए, मस्ट बी 21 ईयर्स। आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल की बात
करता है शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब के कौन सा आर्टिकल, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 241। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ यूनियन पार्लियामेंट एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन टू मेक लॉ ऑन द ऑन टर्म इन द यूनियन लिस्ट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर दैट एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज ऑन एटम गिवन इन द स्टेट लिस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 246। ठीक है, विच वाट प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एनेबल द सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज द सर्विस टैक्स एंड एक्सपैंड इट इज इट्स स्पेन। तो कौन से प्रोविजन के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज कर सकता है सर्विस टैक्स और इसको एक्सपैंड कर सकता है, तो रेसिड्यू पावर अंडर आर्टिकल 248। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन पार्लियामेंट लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू द मैटर ऑफ एनी सब्जेक्ट इन्यूमरेटेड इन लिस्ट फॉर द नेशनल इंटरेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 249। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एज पर आर्टिकल 274 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुज प्रायर रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड टू द बिल अफेक्टिंग टैक्सेशन। तो आर्टिकल 274 के तहत हुज प्रायर मैंने किसका प्रायोरिटी रिक्वायर है बिल इफेक्टिंग टैक्सेशन के लिए, तो ये हो जाएगा प्रेसिडेंट का। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट्स ऑफ फाइनेंस कमीशन, कौन सा आर्टिकल के तहत फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 280। सीएजी से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल था, तो 148 था। ठीक है, फाइनेंस कमीशन भी याद रखना है 280। विच आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी कौन सा आर्टिकल है, अभी थोड़ी देर पहले बात की कि अमेंडमेंट हुआ था उसका। ठीक है, पहले हुआ करता था फंडामेंटल राइट, लेकिन उसको बाद में हटा करके हटाया गया था, तो ये भी बात कर लेते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी जो था पहले 31A में था, ठीक है, उसको हटाया गया था, डिलीट किया गया था, तो ये हो गया कौन सा आर्टिकल 300। ठीक है, कौन से एक्ट के तहत कौन से अमेंडमेंट के तहत हटाया गया था, 44 अमेंडमेंट, कब हुआ था 1978। तो मैंने पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूँ कि 42 अमेंडमेंट और 44 अमेंडमेंट दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी 44 की बात कर रहे हैं, तो ये हुआ था कब, 1978 में, और इसमें राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया था फंडामेंटल राइट से। अगला, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनेबल्स पार्लियामेंट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर और विद इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज मे बी रिक्वायर्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो बोला गया है कि पार्लियामेंट इनेबल्स कर सकता है इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड कॉमर्स में इंटरकोर्स एक स्टेट से दूसरे को स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज में। ठीक है, तो यह आर्टिकल कहता है आर्टिकल 302। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद रिमूवल और डिसमिसल ऑफ सिविल सर्वेंट, कौन सा आर्टिकल रिमूवल या डिसमिसल की बात करता है सिविल सर्वेंट की, तो यह हो जाएगा आर्टिकल 311। ठीक है, याद रखना है आर्टिकल 311। द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस आर डीम्ड टू बी सर्विस क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट अंडर। तो बोला गया है कि जो आईएएस होता है और आईपीएस होता है आर डीम्ड टू बी सर्विसेज क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 312 यानी 312 के तहत। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द डिसीजन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैन बी चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। तो बोला गया है कि कौन से आर्टिकल के तहत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का जो ये है, ठीक है, डिसीजन है, वो आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 323A। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कौन सा आर्टिकल डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 23A के तहत ही आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द इलेक्शन कमीशन टू पावर सुपरवाइज इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो बोला गया है कि कौन से आर्टिकल के तहत इस इलेक्शन कमीशन को पावर है कि वह सुपरवाइज कर सकता है पार्लियामेंट के इलेक्शन को और स्टेट लेजिस्लेचर को, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 324। ठीक है, आर्टिकल 324 से 329 किस चीज़ से डील करता है, तो ये हो जाएगा इलेक्शन से। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अंडर आर्टिकल मैंडेट द इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर।
तो कौन सा आर्टिकल के तहत मैंडेट है, मैंडेटरी है इलेक्शन कमीशन का कि वो कंडक्ट करें इलेक्शन पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर में, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 234, सॉरी 324, 324। द इलेक्शन कमीशन इज स्टेबलाइज, द इलेक्शन कमीशन को स्टेबलाइज किया गया तो कौन से आर्टिकल के तहत, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 324। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कितना है, 324 से लेकर के 329 तक। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ द पीपल। तो बोला गया कि हाउस ऑफ द पीपल की बात करें तो उसमें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन है, सीट, सीट का रिजर्वेशन है, तो कौन से आर्टिकल के तहत, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 330 के तहत। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कमिटी बी नोमिनेटेड इन द टू द लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट। तो अभी ये क्वेश्चन इररिलेवेंट हो जाता है, ठीक है, फिर भी याद रखिएगा कि कौन से आर्टिकल के तहत एंग्लो इंडियन को नोमिनेट किया जाता था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 331। तो ये आर्टिकल, ये तो हटा दिया गया कि एंग्लो इंडियंस होंगे अब। ठीक है, अगला सुनिए, रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब इन द सर्विस हैज़ बिन प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर। रिजर्वेशन की बात करें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की इन द सर्विस सर्विसेज में, ठीक है, रिजर्वेशन की बात किया गया है कौन से आर्टिकल के तहत, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 335 के तहत। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे कि इसमें हाउस ऑफ द पीपल में शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट की बात किया गया है कि उसका सीट रिजर्वेशन होना चाहिए, 330 में बोला गया है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि सर्विसेज में अगर रिजर्वेशन देना है तो ये आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 335 के तहत बोला गया है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो कौन सा आर्टिकल डील करता है नेशनल कमीशन ऑफ फॉर शेड्यूल कास्ट, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 338। ठीक है, द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड NCBC वॉज फॉर्म्ड, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कमीशन बैकवर्ड क्लास वॉज फॉर्म्ड बाय द इंसर्शन ऑफ आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो NCBC जो फॉर्म्ड हुआ था, ठीक है, वो कौन से आर्टिकल के तहत, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 338B के तहत। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब हिंदी एज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द गवर्नमेंट अलॉन्ग विथ इंग्लिश। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 343 के तहत। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइडेड टू लैंग्वेज स्पोकन इन द सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, स्पेशल प्रोविजन दिया गया है लैंग्वेज स्पोकन इन द सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 347। अगला सुनिएगा, पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ ऑफिशियल लैंग्वेज इन आर्टिकल 343-2। तो बोला गया है कि पार्ट जो 17 है ये डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेज से। ठीक है, कितने से कितने आर्टिकल तक, आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक, याद रखना है, पार्ट 17 किससे रिलेटेड है, लैंग्वेज से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बात करें, व्हाट इज द मिनिमम मैक्सिमम पीरियड अप टू विच ए प्रोक्लेमेशन इशूड बाई प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अप्रूव्ड और एक्सटेंड बाई द पार्लियामेंट में नॉर्मली रिमेन इन द फोर्स। तो ये हो जाएगा 1 ईयर के लिए। अगला क्वेश्चन, विच कैन बी अमेंड ओनली बाई ए स्पेशल मेजोरिटी इन इंडिया। किस चीज़ को सिर्फ अमेंड कर सकते हैं स्पेशल मेजोरिटी से, तो ये हो जाएगा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। माने कॉन्स्टिट्यूशन को अगर अमेंड करना है, ठीक है, माने थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार कर लाना है, तो कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 368 के तहत कर सकते हैं, लेकिन क्या चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग, तो याद रखना है अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन को अगर अमेंड करना है कौन से आर्टिकल के तहत, 368 अगर, तो क्या चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर नॉट अमेंडेबल अंडर आर्टिकल 368 आर। तो बोला गया है कि एक बेसिक फीचर्स को आप अमेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आर्टिकल 368 के तहत, तो क्या क्या चीज़ को आप अमेंड नहीं कर सकते हैं 368 के तहत, तो यह हो जाएगा सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, फेडरल सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो हम लोग जानते हैं कि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, इसको आप
एमेंट नहीं कर सकते, सवरेनिटी को नहीं कर सकते, टेरिटरियल इंटेग्रिटी फेडरल सिस्टम को नहीं कर सकते, जुडिशियल रिव्यू को आप एमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, याद रखना है ये कुछ पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट हैज़ पावर टू एमेंट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर दिस पावर ऑन द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अमेंड कर सकता है, अमेंड द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर दिस पावर टू द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, तो कौन से आर्टिकल के तहत उनको पावर दिया गया, तो आर्टिकल 368 के तहत। विच आर्टिकल रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन रिवोक्ड रिसेंटली, तो कौन सा आर्टिकल को रिसेंटली हटाया गया है, थोड़ी देर पहले बात किए थे, 2019 6 अगस्त को हटाया गया था, कौन सा आर्टिकल था, आर्टिकल 370 और 35A, ठीक है। विच हु ड्राफ्टेड द आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो किसने ड्राफ्ट किया था 370 आर्टिकल को, तो यह हो जाएगा गोपाल स्वामी अयानगर। विच आर्टिकल केम इन टू फोर्स ऑन 26 नवंबर 1949, द डे ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड, तो कौन सा आर्टिकल उसी समय ही ये फोर्स पे आ गया था 26 नवंबर 1949 को जब ये कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया था, तो आर्टिकल था 388। तो आर्टिकल 388 कहता क्या है, आर्टिकल 388 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेड आउट प्रोविजन ऑफ फॉर द फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंट पोजीशन इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटर, इट वॉज ओमिटेड, मैंने हटा दिया गया फॉर्म ए कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, सेवन्थ अमेंडमेंट जो हुआ था उस टाइम वो इसको हटा दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कितने अमेंडमेंट्स, तो कौन कर सकता है अमेंडमेंट, तो ये हो जाएगा पार्लियामेंट। अब तक कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो ये हो जाएगा कि 105 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन मेड सो फार, वही वाला क्वेश्चन आ गया, कितने अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, तो ये हो जाएगा 105। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया एंड फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वॉज हेल्ड इन, तो बोला गया कि सबसे पहले जो पहला अमेंडमेंट हुआ था और पहला इलेक्शन हुआ था वो कौन से साल में हुआ था, तो पहला अमेंड जो हुआ था वो भी 1951 को हुआ था और पहला जनरल इलेक्शन भी 1951 को ही हुआ था। द 42nd आ गया, 42nd वाला, 44 क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया था 44 में, अब 42nd आ रहा है कि 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड इन द ईयर, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एक्ट हुआ था, ठीक है, वो इनेक्टेड किया गया था कौन से साल में, तो ये हो जाएगा 1976, ठीक है। और 44 कब हुआ था, 1978 में हुआ था, ठीक है। आगे, विच शेड्यूल वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट जो अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, तो उसमें कौन सा शेड्यूल ऐड किया गया था, तो शेड्यूल हो जाएगा 9th, ठीक है, शेड्यूल 9th को ऐड किया गया था। अब 9th शेड्यूल में है क्या, तो ये भी जानना जरूरी है, 9th शेड्यूल में था लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, ठीक है। दिस शेड्यूल कंटेंस लिस्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज विच कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट, ठीक है। अगला बात करें हम लोग, विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो कौन से एक्ट अमेंडमेंट के तहत GST लाया गया था, तो ये हो जाएगा 101वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2016 में, इसके तहत लाया गया था GST। विच शेड्यूल वॉज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1992 एज ए रिजल्ट ऑफ 73rd अमेंडमेंट, तो 73rd जो अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत किस चीज़ को घुसाया गया था, ठीक है, किस शेड्यूल को लाया गया था, तो ये हो जाएगा 11th शेड्यूल को। 11th शेड्यूल में है क्या, तो 11th शेड्यूल में है पंचायत, ठीक है, पंचायत को घुसाया गया था। नागालैंड बिकम ए पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1963 बाई द, तो बोला गया है नागालैंड जो है वो इंडिया का पार्ट बन गया था 1963 में, कौन सा अमेंडमेंट, तो ये हो जाएगा 13th अमेंडमेंट। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्रीज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम 60 to 62, तो कौन से अमेंडमेंट के तहत रिटायरमेंट जो है हाई कोर्ट के जजेस का, वो पहले 60 हुआ करता था, उसके बाद क्या हुआ, 62 हो गया, तो ये हो जाएगा अमेंडमेंट नंबर 15,
ठीक है। और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जिसको हम लोग को डिस्कस कर लेना चाहिए, जैसे बात करें 21 अमेंडमेंट, ठीक है, ये सबको डिस्कस करते हुए चलेंगे। 71 अमेंडमेंट, 92 अमेंडमेंट, 86 अमेंडमेंट, ठीक है, उसके बाद 42 तो था ही, 42, 44, ठीक है, और 73, 74, ठीक है, 61 अमेंडमेंट भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सारा को डिस्कस करते हुए चलेंगे हम लोग। द सिस्टम ऑफ प्रीवेसी पर्स इन रिस्पेक्ट टू द फॉर्मर रूलर ऑफ इंडियन स्टेट बिफोर इंडिपेंडेंस वॉज एबोलिश बाय द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू। तो बोला गया है प्रीवी पर्स जो था, पर्सेस जो था, ठीक है, इसको कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत हटाया गया था, तो ये हो जाएगा 26 अमेंडमेंट 1971। तो प्रीवी पर्स का मतलब क्या है, एक्चुअली जब इंडिपेंड हम लोग जब आज़ाद हो गए थे उसके बाद भी क्या हुआ था कि जो प्रिंसली स्टेट थे, ठीक है, उनको कुछ पैसा दिया जाता था खर्चा पानी के लिए गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो लोग, नहीं तो क्या होता, वो लोग इंडिया से बिछड़ जाता, या वो लोग अपना अपना दुनिया बना लेता, ठीक है, अपना एक मुल्क बना सकता था या पाकिस्तान के साथ जा सकता था। इसलिए उनको क्या दिया जाता, कुछ पैसा दिया जाता ताकि हमारा इंडिया जो है यूनिटी बना हुआ रहे और इंडिया ही रहे, ठीक है। इसलिए इसी चीज़ को बोला जाता था प्रीवी पर्स, यानी कि उनको पैसा दिया जाता था। तो ये कब तक दिया जाता था, 1971 तक दिया जाता था, तब वो उस टाइम अमेंडमेंट हुआ 26 अमेंडमेंट, तब से जाकर के प्रीवी पर्स को हटाया गया, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, सिक्किम वॉज एसोसिएटेड विद द यूनियन ऑफ इंडिया बाई, तो सिक्किम को ये किया गया, ठीक है, 1975 में, तो ये हो जाएगा कौन सा अमेंडमेंट, 36 अमेंडमेंट। तो सिक्किम हमारा स्टेट जो बना था वो 22nd स्टेट बना था, ठीक है। विच अमेंडमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट इंसर्टेड द टू वर्ड सोशलिस्ट सेक्युलर इन द प्रेम्बल। प्रेम्बल में सोशलिस्ट और सेक्युलर को घुसाया गया था, इंसर्ट किया गया था, कौन से अमेंडमेंट के तहत, तो ये हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट। तो इसको 42nd में सेकेंड जो अमेंडमेंट हुआ था इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत बहुत सारा कुछ अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गेव प्रेसिडेंस टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ओवर फंडामेंटल राइट्स। तो बोला गया कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत प्रेसिडेंस मिला है DPSP को ओवर फंडामेंटल राइट्स, तो ये हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट। विच अमेंडमेंट इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कौन सा अमेंडमेंट को बोला जाता है, तो ये हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट। द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम अमेंड बाय द, तो जब फर्स्ट टाइम प्रेम्बल को अमेंड किया गया था वो कब किया गया था, कौन से इसके द्वारा, तो ये हो जाएगा 42nd, ठीक है, कब हुआ था, 1976। वेन वॉज द 40 आ गया 44th वाला फिर से, तो ये कब हुआ था, 1978 में, क्या हुआ था उसमें 44th में, आपका प्रॉपर्टी लीगल राइट में लाया गया था, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट में लाया गया था फंडामेंटल राइट से हटा करके। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पॉलिटिकल डिफेक्शन वेयर बैंड, तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत पॉलिटिकल डिफेक्शन जो है बैंड किया गया था, तो ये हो जाएगा 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, ठीक है। और ये कौन से शेड्यूल में भी है, बात करें शेड्यूल की, ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं फिर। तो एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करें तो एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से शेड्यूल में है, 10th शेड्यूल में है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ऑथोरिटिव टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी वॉज ऑथराइज टू बी पब्लिश बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसका आंसर हो जाएगा 58 अमेंडमेंट 1987। अगला क्वेश्चन है, इन विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द वोटिंग एज रिड्यूस फ्रॉम 21 से 18, तो अभी बताया कि ये वाला जो अमेंडमेंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि 21 साल में पहले वोटिंग होता था, उसके बाद क्या हुआ उसको घटा करके 18 साल लाया गया, तो कौन से अमेंडमेंट के तहत, तो ये हो जाएगा अमेंडमेंट मतलब 61st अमेंडमेंट 1989 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिड द कैपिटल सिटी दिल्ली गेट लेजिस्लेटिव असेंबली विथ द इनेक्टमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट 1991, तो कौन से अमेंडमेंट के तहत जो है दिल्ली कैपिटल को मिला लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, विद द इनेक्टमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी, तो ये हो जाएगा 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि हुआ था 1991 में। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड
फॉर द रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट ऑफ द म्युनिसिपल बोर्ड विथ एंड विलेज पंचायत फॉर वुमेन। तो कौन से अमेंडमेंट के तहत ये बताया गया था कि रिजर्वेशन होना चाहिए 1/3 ऑफ द सीट ऑफ म्युनिसिपल बोर्ड का हो या विलेज पंचायत का हो, वुमेन के लिए रिजर्व होना चाहिए 1/3 सीट। तो ये कौन से अमेंडमेंट के तहत बोला गया था, 73rd एंड 74th, क्योंकि 73rd जो अमेंडमेंट हुआ था ठीक है वो पंचायत से था और 74th किससे रिलेटेड था, तो म्यूनसिपल से रिलेटेड। ठीक है, अगला, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड पार्ट 9 पंचायत राज सिस्टम टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा अमेंडमेंट के तहत पंचायत राज सिस्टम यानी पार्ट 9 घुसाया गया, तो ये हो जाएगा 73rd के तहत। ठीक है, तो याद रखना है कि 73rd में पंचायत की बात करते हैं। ठीक है, जो अमेंडमेंट हुआ था 74 की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें 74, तो ये बात करता है म्युनिसिपलिटी की। ठीक है, अब आ जाओ, कौन सा, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड पार्ट 9A, पार्ट 9A की बात करता है। ठीक है, म्युनिसिपलिटीज टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये हो जाएगा 74। याद रखना है 73rd किसकी बात करता है, पंचायती राज, और 74 म्युनिसिपलिटी। द शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड बाई द 74th, तो 74th के तहत कौन सा शेड्यूल एड हुआ था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12th शेड्यूल। अगर यही पूछ लेता कि 70, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है 73rd के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था उसके तहत कौन सा शेड्यूल ऐड हुआ था, तो ये हो जाएगा शेड्यूल 11th। ठीक है, और शेड्यूल 12 जो ऐड हुआ था वो 74th के तहत। अगला क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रपोज द आइडिया ऑफ नेशनल रेंट ट्रिब्यूनल, तो कौन सा अमेंडमेंट के तहत ये प्रपोज आइडिया दिया गया था रेंट नेशनल रेंट ट्रिब्यूनल का, तो ये हो जाएगा 75th। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डील्स विद रिजर्वेशन ऑफ सीट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन द सर्विस अंडर द स्टेट फॉर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। तो बोला गया कि कौन से अमेंडमेंट के तहत रिजर्वेशन ऑफ सीट की बात किया गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, अपॉइंटमेंट की बात किया या पोस्ट सर्विसेज की बात की है, ठीक है, किस बैकवर्ड क्लास के बारे में, तो ये हो जाएगा 76th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था उसी में बोला गया था। ठीक है, यानी कि रिजर्वेशन ऑफ सीट जो होता है कॉलेजेस वगैरह में, सुने होंगे ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बैकवर्ड क्लास के लिए वो बात किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 प्रोवाइडेड फॉर फ्री एजुकेशन, वो वाला आ गया कि 6 साल से इसके 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन देना चाहिए, तो थोड़ी देर पहले बात किए थे, आर्टिकल 21A था, पार्ट थर्ड था, कौन सा ये था अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था, तो ये हो जाएगा 86th अमेंडमेंट। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पुट ए कैप ऑन द मेंबर ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन कैबिनेट, ये हो जाएगा 91st। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, द टोटल मेंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूड द चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट कैन नॉट बी एक्सीड ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। तो बोला गया है कि मेंबर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होना चाहिए वो एक्सीड नहीं करना चाहिए टोटल मेंबर्स ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से, तो कितना परसेंट एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो ये हो जाएगा 15%। इन विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वी आर बोडो, डोंगरी, संथाली एंड मिथिली एडेड इन द लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज लैंग्वेज, तो बोडो, डोंगरी, संथाली, मिथिली जो है ये इसको ऐड किया गया था हमारे लैंग्वेजेस में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लैंग्वेजेस में। ठीक है, कौन से अमेंडमेंट के तहत, तो ये हो जाएगा 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो अभी थोड़ी देर पहले बात किया मैंने कि कौन कौन सा अमेंडमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे 92 है, 71 है, 21 है, तो आपको याद रखना है 21, 71, 92, ये लैंग्वेज से रिलेटेड अमेंडमेंट हुआ था। फिर से बताइए, बता देता हूँ, 21, 71 और 92, ये लैंग्वेज से रिलेटेड अमेंडमेंट है। ठीक है, तो 21 में सिंधी ऐड हुआ था लैंग्वेज, और 71 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी लैंग्वेज ऐड हुआ था, 92 में अभी बात किया, 92 में क्या, डोगरी, बोडो, मिथाली, संथाली। ठीक है, आगे तो ये लिखा हुआ भी है, 22nd अमेंडमेंट में सिंधी लैंग्वेज ऐड किया गया था, उसके बाद बात करें 71st अमेंडमेंट में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली लैंग्वेज को ऐड किया गया था, उसके बाद बात करें ये सारा जो ये है लैंग्वेज की बात करें तो ये कौन से शेड्यूल में है, तो ये 8th शेड्यूल में है। ठीक है,
तो जितने भी लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं हम लोग एट शेड्यूल में बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे के क्वेश्चन, सॉरी, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थ्रू विच द फोर रीजनल लैंग्वेज, वही वाला क्वेश्चन है ऊपर वाला ही, कौन सा अमेंडमेंट के तहत हुआ था, तो ये हो जाएगा 92nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। द 100th अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड, तो 100वां जो अमेंडमेंट हुआ था वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ था, अकॉर्डिंग एक्वायरिंग ऑफ टेरिटरीज बाई इंडियन एंड ट्रांसफर ऑफ सर्टेन टेरिटरीज टू बांग्लादेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वट डज द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डील्स विथ, तो 103वां जो अमेंडमेंट हुआ था वो किस चीज़ से डील करता है। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले देखें हम लोग क्या, 100 जो अमेंडमेंट था वो आपका इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अमेंडमेंट था, और उसके बाद 101 जो था वो GST से रिलेटेड था, 103 की बात करें तो वो क्या है, वो EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन होना चाहिए, इससे रिलेटेड अमेंडमेंट था। ठीक है, 124 अमेंडमेंट बिल, अब यहाँ पे अमेंडमेंट एक्ट की बात नहीं कर रहा है, अमेंडमेंट बिल की बात कर रहा है, 2019 डील्स विद, तो 2019 में जो एक बिल आया था 124वां अमेंडमेंट बिल, तो होता कौन सा, किसकी बात करता है, इकोनॉमिक रिजर्वेशन यानी कि यही वाला। ठीक है, EWS, तो वो बिल कौन सा था, 124, तो ऐसा समझिएगा, देखिए अमेंडमेंट एक्ट बाद में बनता है, बिल पहले बनता है। ठीक है, बिल अगर ये हो गया, लागू हो गया, तो उसी को एक्ट एक्ट बोलते हैं, इसलिए क्या होता है बहुत सारा बिल ऐसा भी होता है जो रिजेक्ट हो जाता है, इसलिए बिल का नंबर तो ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे 124 है लेकिन एक्ट की बात करें तो 103 ही है, यानी कि इस बीच में बहुत सारा बिल जो है, बहुत सारा बिल रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा है, तो अमेंडमेंट एक्ट और अमेंडमेंट बिल जो है दो अलग अलग चीज़ है, मैंने सेम चीज़ है, लेकिन होता क्या है कि बहुत बार बिल रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन एक्ट जो होता है वो कम ही होता है हर बार। ठीक है, नेम द बॉडी वॉज स्टेबलाइज टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ SC ST सोशल इकोनॉमिक कल्चर एंड एजुकेशनल कंसर्न आफ्टर द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो बोला गया है कौन सा ऐसे बॉडी को स्टेबलाइज किया गया था ताकि SCs है, STs है, सोशल इकोनॉमिक कल्चर इकोनॉमिक कंसर्न, उसको ये किया गया था, ऐड किया गया था, स्टेबलाइज किया गया था, तो ये हो जाएगा नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST। ठीक है, ताकि इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी बनी रहे। ठीक है, अप्रूव्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन अप्रूव देता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अप्रूव करने के लिए, तो ये हो जाएगा राज्यसभा। एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मे बी इनिशिएटेड, तो अगर अमेंडमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये कहाँ इनिशिएट किया जा सकता है, तो कहीं पे भी, बोथ द माने कहीं पे मतलब हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कोई भी हाउस हो सकता है। हाँ, ठीक है, लोअर हाउस हो सकता है, ठीक है, या फिर अपर हाउस, किसी हाउस में भी इंट्रोड्यूस किए जे आप अमेंडमेंट के अमेंडमेंट करना है। ठीक है, तो किसी भी हाउस में उसको आवाज़ उठा सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। विच काइंड ऑफ मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर्मिंग ए न्यू स्टेट, तो किस तरह का मेजोरिटी चाहिए अगर नया स्टेट बनाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिंपल मेजोरिटी। हाउ मेनी टाइम्स वॉज द प्रीएम्बल, प्रीएम्बल की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन उसको कितना बार अमेंड किया गया, तो ये हो जाएगा सिर्फ एक बार अमेंड हुआ है प्रीएम्बल, वो हुआ था जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था, उसी में अमेंड हुआ था क्या, प्रीएम्बल, कब, 1976 में, जो 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था। अगला बात करें हम लोग, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स हैं, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब शायद शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन से आएंगे, तो शेड्यूल एक बार देख लेते हैं, शेड्यूल से रिलेटेड कितने हैं, तो 12 हैं। 12 में क्या होता है, टेरिटरी एंड स्टेट इम्लूमेंट्स, उसके बाद एफर्मेशन एंड नोट, राज्यसभा सीट एलोकेशन, शेड्यूल एरियाज, अदर ट्राइबल एरियाज, फेडरल लिस्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज, लैंड रिफॉर्म, डिफेक्शन, पंचायत और म्यूनसिपलिटीज़। ठीक है, यहाँ पर लिख भी दिया गया कि डिफेक्शन जो लाया गया था वो 52nd अमेंडमेंट के तहत लाया गया था, पंचायत जो लाया गया था वो 73rd अमेंडमेंट के तहत, और बात करें म्यूनसिपलिटीज़ की तो ये 74th अमेंडमेंट। ठीक है, तो आपको याद रखना है, और ठीक है, तो अमेंडमेंट का मतलब होता है एक्चुअली सैलरी की बात करते हैं हम लोग, जो प्रेसिडेंट है या फिर गवर्नर ऑफ द स्टेट है उनकी सैलरी की बात करते हैं। ठीक है, और बात करें एफर्मेशन मिनिस्टर है, लेजिस्लेचर मिनिस्टर हैं, जजेस है, तो उसमें क्या होता है, ऑथर एफर्मेशन आ जाता है। ठीक है,
तो ये सारा कुछ देखना है। उसके बाद इसकी राज्यसभा की सीट के एलोकेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, याद रखने का ट्रिक क्या है, टीयर्स ऑफ ऑल्ड पीएम, ठीक है। तो टीयर्स, टी बोले तो टेरेटरीज, ई बोले तो इमोल्यूमेंट्स, है ना, ए बोले तो एफर्मेशन एंड ऑथ, आर बोले तो सी राज्यसभा का सीट्स, एस बोले तो शेड्यूल एरियाज, उसके बाद ओ से अदर ट्राइबल एरियाज, एफ से फेडरल लिस्ट, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज का क्वेश्चन आया था, हम लोग बात किए थे कि शेड्यूल किस में, 8 में है। उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स, उसके बाद डिफेक्शन, पंचायत, म्यूनसिपलिटीज़, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चंस। शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द नेम ऑफ स्टेट एंड दियर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। कौन सा डील करता है नेम ऑफ स्टेट और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में, तो ये हो जाएगा आठ, शेड्यूल हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट में था क्या, 21 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज की बात करता है, कौन सा, फर्स्ट शेड्यूल। व्हाट इज रिलेटेड टू द सेकंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड शेड्यूल से रिलेटेड क्या है, तो सैलरीज ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स, ठीक है। सैलरीज एंड वो टीयर्स पढ़े थे, एम्बलमेंट, ठीक है। दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बिन इनकरेक्टली मैच्ड, तो कौन सा ऐसा शेड्यूल है जो कि इनकरेक्टली मैच्ड है। फर्स्ट में दिया है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, सेकंड में दिया है लैंग्वेज, थर्ड में दिया, फोर्थ में दिया है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, थर्ड में दिया है फॉर्मेशन ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन, तो कौन सा गलत होगा, तो ये हो जाएगा सेकंड, सेकंड जो था सैलरीज से रिलेटेड है, ठीक है, ना के लैंग्वेज से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड आठवां शेड्यूल है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए इस चार्ट को, ताकि चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, या फिर याद कर लीजिए जैसे है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स द फॉर्मेट ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन, ओथ एंड एफर्मेशन की बात कर रहा है, कौन से शेड्यूल में आएगा, थर्ड। विच शेड्यूल कंटेन स्पेशल प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द फोर नॉर्दर्न स्टेट, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, कौन कौन सा दिया है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें देखिएगा मणिपुर कहीं भी ऐड नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कौन से शेड्यूल के तहत बोला गया है, ये हो जाएगा शेड्यूल सिक्स, ठीक है। उसके बाद द CADC इज फॉर्म्ड अंडर सिक्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, तो सिक्स शेड्यूल के तहत CDAC का फॉर्मेशन हुआ था, सिक्स शेड्यूल बोले तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, ठीक है। तो वो बोला गया है कि CADC का मतलब क्या होता है, तो ये हो जाएगा चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, खास करके चकमा जो पीपल है वो तो आपको मिल जाएगा आसाम में, मेघालय में, ऐसे जगह पे, ठीक है। उसके बाद द सिक्स शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सरसाइज इट्स कंट्रोल टू इट्स टू द ट्राइबल एरियाज, तो बोला कि सिक्स शेड्यूल जो है कहाँ के ट्राइबल इसको ट्राइबल एरियाज को एक्सरसाइज नहीं करता है, तो ये हो जाएगा मणिपुर, ठीक है। फिर सुन लीजिए, सिक्स शेड्यूल में कौन कौन सा स्टेट आता है, तो स्टेट आता है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, पांच स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, मणिपुर नहीं है, ठीक है। आगे सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्बोडीज थ्री लिस्ट, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट, तो कौन से शेड्यूल के तहत हम लोग जो है इम्बोडी थ्री लिस्ट बनाते हैं, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट, तो ये हो जाएगा सेवन्थ, जिसको बोलते हैं फेडरल प्रोविजन, ठीक है, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स, ठीक है। जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्कस करते हैं हम लोग कौन से शेड्यूल में, सेवन्थ शेड्यूल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज लिस्टेड इन द लिस्ट गिवन बिलो सेवन्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या हो जाएगा, यूनियन, यूनियन लिस्ट में आता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इन द लिस्ट ऑफ, ठीक है। अगला, सेवन शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ, सेवन शेड्यूल किससे, फेडरलिस्ट, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट, इसी को फेडरल भी बोल सकते हैं, फेडरल प्रोविजन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन यूनियन के पास क्या कौन सा पावर है, स्टेट्स के पास कौन सा पावर है, ठीक है, ये डिस्कस किया गया है सेवन शेड्यूल में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैटर इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट इन द सेवन्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो पूछा गया है कि कौन सा इसको स्टेट लिस्ट में रखा गया है, तो ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना, जो सेवन वाला चैप्टर था, ठीक है, सेवन्थ जो चैप्टर है उसमें ही डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, कौन सा स्टेट लिस्ट में है, कौन सा इसमें लिस्ट कंकरेंट लिस्ट में है, कौन सा
यूनियन की लिस्ट में है, तो ये हो जाएगा। स्टेट लिस्ट में क्या है? मार्केट्स एंड फेयर्स, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करना था आपको। अगला क्वेश्चन, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ लैंग्वेज, फिर से आ गया, कौन सा शेड्यूल है जो लैंग्वेज से रिलेटेड है, डील्स करता है लैंग्वेज को, तो ये हो जाएगा 8th शेड्यूल। एज पर 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाउ मेनी लैंग्वेजेस वेर रेफर्ड एज ए शेड्यूल लैंग्वेज, तो 8th शेड्यूल के तहत हम लोगों के कितने लैंग्वेज को ये मान्यता मिला है, तो ये हो जाएगा 22nd। अगला क्वेश्चन, विच लैंग्वेज इज नॉट स्पेसिफाइड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन से लैंग्वेज को स्पेसिफाइड नहीं किया गया 8th शेड्यूल के तहत, तो ये हो जाएगा इंग्लिश। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, फ्रॉम द लैंग्वेज लिस्टेड इन द इंग्लिश 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पिक आउट ऑफ द वन विच इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट कश्मीरी उर्दू सिंधी नेपाली, तो बोला गया है कि इनमें से आपको लिस्ट करना है, ठीक है, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज है किसी स्टेट का, तो ये हो जाएगा क्या, कश्मीरी। ठीक है, कश्मीरी जो लैंग्वेज यह क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, उर्दू किसी का भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, किसी स्टेट की बात कर रहा है। ठीक है, इज नॉट ए पार्ट ऑफ 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो बोला गया कि कौन सा जो कि 8th शेड्यूल का पार्ट नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा पर्शियन लैंग्वेज जो है वो 8th शेड्यूल का पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन, इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच लैंग्वेज वेयर एडिड सब्सिक्वेंटली, तो बोला गया है कि 8th शेड्यूल के तहत कौन कौन सा लैंग्वेज जो है वो सब्सिक्वेंटली मैंने एक के बाद एक जोड़ दिया गया है, लाया गया, तो अमेंडमेंट हम लोग देखे थे थोड़ी देर पहले। ठीक है, अमेंडमेंट जो था जैसे 22nd अमेंडमेंट, 71 अमेंडमेंट, 92 अमेंडमेंट, तो इसके तहत कौन कौन सा लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था, तो जो 22nd था उसमें सिंधी लैंग्वेज, सारा एक साथ बोल देता हूँ मैं, सिंधी लैंग्वेज, नेपाली लैंग्वेज, मणिपुरी, कनकुनी, डोगरी, बोडो, मिथिली, सिंथली, तो ये सारे लैंग्वेजेस जो है ये सब्सिक्वेंटली ऐड किए गए हैं, यानी बाद में ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चार ही लिखा हुआ है, मैं बाकी सब बता देता हूँ, सिंधी तो है, कोंकणी है, मणिपुरी है, नेपाली, ठीक है, उसके बाद बोडो, डोंगरी, मिथिली, ये सारे भी लैंग्वेजेस थे, तो ऑप्शंस में सिर्फ इतने ही दिए गए थे, तो इतने में मार्क देना था। स्टेट लैंड रिफॉर्म्स इज अंडर विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो पार्ट की बात किया गया स्टेट लैंड रिफॉर्म के, तो ये हो जाएगा, यहाँ पार्ट नहीं होना चाहिए, शेड्यूल होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 9th शेड्यूल। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स की बात करते हैं हम लोग 9th शेड्यूल में। अगला क्वेश्चन है, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोविजन रिलेटेड टू डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, तो डिसक्वालिफिकेशन की मेंबर की बात करें या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करें तो कौन से शेड्यूल में बात करता है, तो ये हो जाएगा 10th शेड्यूल में। अगला क्वेश्चन है, हु डिसाइडेड ऑन द इशू रिलेटेड ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा अंडर 10th शेड्यूल, तो कौन डिसाइड करता है कि डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए, डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्पीकर ही डिसाइड करता है कि डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है। ठीक है, विच सब्जेक्ट इज कवर्ड इन द 11th शेड्यूल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कौन सा सब्जेक्ट कवर किया जाता है 11th शेड्यूल में, तो 11th शेड्यूल में क्या था, तो ये हो जाएगा हेल्थ एंड सैनिटेशन, वो तो पंचायत से रिलेटेड है, तो कौन कौन सा 11th शेड्यूल में आता है, तो एक बार देख लेते हम लोग, 11th शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट्स हैं, मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, 29 टॉपिक्स हैं, तो इनमें से कुछ पंचायत पावर है, रूरल डेवलपमेंट है, पॉवर्टी है, एलिवेशन है, मार्केट है, रोड्स, ड्रिंकिंग वाटर है, उसके बाद हेल्थ एंड सैनिटेशन भी है, तो 29 सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आप कुछ कुछ इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए, जैसे कि पंचायत का पावर, रूरल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, एलिवेशन, मार्केट, रोड, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ, सैनिटेशन, ये 11th शेड्यूल में आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, एज पर ऑर्डर इशूड बाय द डिलिमिटेशन कमीशन इन 2008 सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इन द लोकसभा, तो इसका आंसर हो जाएगा 84 सीट जो होगा रिजर्व होगा शेड्यूल कास्ट के लिए इन लोकसभा। तो अब बात करते हैं हम लोग पार्ट से रिलेटेड, अब क्वेश्चन आएगा कौन सा पार्ट में क्या है नहीं है। ठीक है, तो पार्ट देख लीजिए कितने हैं, टोटल 22 हैं, एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या एक एक करके पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, तो आप देखते हैं पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, तो कौन सा पार्ट डील करता है, यहाँ पे देख लीजिए कौन सा पार्ट है, पार्ट वन। ठीक है, आगे क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब सिटीजन इन इंडिया, सिटीजन से रिलेटेड पार्ट कौन सा है, तो देख लीजिए पार्ट टू है। ठीक है, इसी तरह से करते चलेंगे हम लोग आगे, आर्टिकल 32 बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो 32 जो है वो कौन से पार्ट से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा पार्ट थर्ड। हम लोग जानते हैं कि
12 से लेकर के 35 तक क्या है, पार्ट थर्ड ही है। अगला है पार्ट फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्लिसिटली एक्सपेक्ट द स्टेट टू सिक्योर, तो इसका आंसर हो जाएगा मर्टिनिटी लीव फॉर एम्प्लॉयमेंट वुमेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन कंपोजिशन ड्यूरेशन ऑफिसर्स प्रोसीड्योर्स प्रिविलेज पावर एंड सो ऑन ऑफ द पार्लियामेंट, तो बोला गया कौन सा पार्टिकल पार्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट फाइव है, जो कि डील करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, कंपोजिशन की बात करें, ड्यूरेशन की बात करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आउट ऑफ द 22nd पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट ओरिजिनली एग्जिस्टेड ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन द ओनली पार्ट विच हैज़ बीन डिलीटेड इज, तो बोला गया है कि 22 पार्ट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली। ठीक है, इसमें से कौन से पार्ट को डिलीट करा गया है, तो ये हो जाएगा पार्ट सेवन। पार्ट सेवन को डिलीट कराया गया है, क्या ऐसा था पार्ट सेवन में जो कि डिलीट करा गया है। ठीक है, इट वॉज रिबिल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा अमेंडमेंट के तहत हटाया गया था, तो सेवेंथ अमेंडमेंट जो होता है, याद रखने का एकदम आसान तरीका है, सेवेंथ जो अमेंडमेंट हुआ था वो उसको हटाया गया था, सेवेंथ अमेंडमेंट के तहत पार्ट सेवन को हटाया गया था। ठीक है, कब हुआ था, 1956 में। अगला, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ यूनियन टेरिटरीज, कौन सा पार्ट है डील करता है, तो ये हो जाएगा पार्ट एट। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, तो पार्ट एट जो है वो यूनियन टेरिटरीज से डील करता है, तो इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, पहला पार्ट में जो था, पार्ट में यूनियन एंड टेरिटरीज की बात कर एंड इट्स टेरिटरीज की बात करता है, लेकिन यहाँ पे है यूनियन टेरिटरीज की बात करता है, वो पार्ट एट में है। पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि डील करता है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज की में के बारे में, तो ये हो जाएगा पार्ट 10। ठीक है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। अगला क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर सेंटर स्टेट रिलेशन मेंशनड, तो कौन सा पार्ट में सेंटर स्टेट का रिलेशन मेंशनड है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पार्ट 11। ठीक है, पार्ट 11 के तहत ही क्या है, सेंटर और स्टेट का रिलेशन मेंशनड है। ठीक है, और यहीं पे बात करते हैं, अगर वो इसका सेंटर स्टेट का किसके पास कौन सा पावर है, वो कौन सा शेड्यूल में था, तो वो था आपका सेवन शेड्यूल में। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट की बात करें कि सेंटर स्टेट का जो रिलेशन होता है वो कौन से पार्ट में बात किया है, पार्ट 11 में। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, तो कौन सा पार्ट डील करता है सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन के बारे में, तो ये हो जाएगा पार्ट 12। पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ फिनांस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि डील करता है फिनांस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट और सूट्स के बारे में, तो ये हो जाएगा पार्ट 12। अगला सुनिएगा, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ इलेक्शन, इलेक्शन से रिलेटेड कौन सा पार्ट है, तो ये हो जाएगा 15। याद रखना है पार्ट 15 जो है ये इलेक्शन से रिलेटेड, पार्ट 15 और 17 ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। पार्ट 15 हो गया इलेक्शन से रिलेटेड, पार्ट 17 भी आ ही जाएगा, आ गया। पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड कौन सा पार्ट है, तो ये हो जाएगा पार्ट 17। ठीक है, और बात करें शेड्यूल की बात करें, तो ऑफिशियल लैंग्वेज शेड्यूल कौन सा है, तो शेड्यूल कौन सा था, शेड्यूल था 8। और इसमें आपका पार्ट के बात करें तो पार्ट 17। ठीक है, आसान है। चैप्टर 15 ऑफ द इंडियन पेनल कोड IPC डील्स विथ, तो चैप्टर 15 जो है इंडियन पेनल कोड का, वो डील करता है किससे, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन। अब IPC से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा। ठीक है, व्हाट डज सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पेनल कोड डील्स विथ, तो 124A जो है वो IPC का 124A किस चीज़ से डील करता है, तो ये हो जाएगा सेडिशन से। सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड डील्स विथ पनिशमेंट फॉर अनलॉफुली असेंबली, तो इंडियन पेनल कोड के तहत आप अगर असेंबल होते हैं अनलॉफुली, ठीक है, तो आपको पनिशमेंट मिलेगा कौन से सेक्शन के तहत, तो ये हो जाएगा 143।
ठीक है। आगे सुनिए, ए पर्सन फर्निशिंग फॉल्स एविडेंस ड्यूरिंग द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, अगर कोई आदमी है लेकिन फॉल्स एविडेंस दे रहा है जुडिशियल में, ठीक है, तो उसको किस तरह का पनिशेबल मिलेगा, सेक्शन अंडर 193 के तहत, तो ये हो जाएगा इंडियन पिनल कोड के 193 के तहत उसको पनिशमेंट मिलेगा। अगला, विच सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड, माने आईपीसी का कौन सा सेक्शन है जो कि डील करता है डिसोबिडेंस टू क्वारंटाइन रूल, तो ये हो जाएगा 271। सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड डील्स विद एबेटमेंट ऑफ सुसाइड, तो कौन से सेक्शन के तहत आपको डील करना पड़ेगा अगर कोई अगर आपको उकसा रहा है सुसाइड करने में, ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक्शन 306। अंडर द इंडियन पेनल कोड एन अटेम्प्ट कमिट सुसाइड इज पनिशेबल विद सिंपल इम्प्रिजमेंट फॉर द टर्म विच मे एक्सटेंड टू और विद ए फाइन और विद बोथ, तो बोला गया कि कौन से इंडियन पेनल कोड के तहत आप अगर सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं तो ये एक तरह का पनिशेबल ऑफेंड, ये है पनिशमेंट का काम है, और आपको एक साल की सज़ा मिल सकती है या फिर या उससे भी ज़्यादा आपको फाइन देना पड़ सकता है या दोनों ही करना पड़ सकता है, तो ये हो जाएगा 1 ईयर तक का फाइन हो सकता है आपको, ठीक है। तो याद रखना है ये जो था आपका अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड था, ये आईपीसी 306 वाला धारा लगता है, ठीक है। उसके बाद बात करें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं हम लोग, है ना। अगर आप असेंबल होते हैं अनलॉफुली तो आपको पनिशमेंट मिलेगा कौन से आईपीसी के तहत, 143, ठीक है, और सुने भी हो गए 143 का धारा लग गया है ना। अगला सुनिए, सेक्शन ऑफ आईपीसी इंडियन पेनल कोड विच डील्स विथ एलजीबीटी, तो कौन सा ऐसा सेक्शन है जो कि डील करता है एलजीबीटी कम्युनिटी से, तो ये हो जाएगा सेक्शन 377, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चंस थे, 183 क्वेश्चंस थे, ठीक है, आर्टिकल्स अमेंडमेंट शेड्यूल से पार्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला टॉपिक।